अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो प्रीवियस आइकिया का व्लॉग मैंने लगाया है, ये उसी वही दिन है। वहाँ जब हम फूड कोर्ट गए तो हमारा मूड नहीं हुआ वहाँ से कुछ खाने का, बिकॉज इट वाज सो अर्ली। तो वी थॉट व्हाई नॉट टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड ईट समवेयर आउट। तो बस हम ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। यहाँ जो आप ये पर्पल ट्रीज़ देख रहे हैं, दे हैव माई हार्ट। ये सीज़न है इनका और ये इस सीज़न पे ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ऐसे पर्पल ट्रीज़ ग्रो होते हैं। तो अब हम लुकआउट के बिल्कुल करीब ही पहुँच गए हैं। हमने वैसे ही सर्च किया था और हमें ये लुकआउट मिला, तो वी थॉट व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई एंड जस्ट रोम अराउंड एंड पास आवर टाइम। It's very steep. Be careful, Anna. अच्छा, तो यहाँ पे इत्तेफाक से बहुत सर्दी थी उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। इट वाज फ्रीजिंगली कोल्ड। हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ समर जैसा मौसम हो गया है, बट इस पॉइंट पे बहुत सर्दी थी। थैंक गॉड वी हैड अलाइनाज जैकेट विद अस, बट मी एंड फरहान वर फ्रीजिंग। Alana, we are going this way. ये एरोप्लेन को फॉलो कर रही है। This way, Johnny. So cold, right? Alana, is it cold? It's cold. ये देखिए जी। Oh, ये लुकआउट इतना प्यारा है। यहाँ से हमें हार्बर ब्रिज भी नजर आ रहा है। सारी पूरा सिटी के सारी बिल्डिंग्स नजर आ रही है। और ये देखिए, अच्छा सबसे अच्छी बात इस लुकआउट की ये थी कि इट वॉज़न्ट क्राउडेड, बस कुछ नियर बाय लोग आए हुए थे एंड बिल्कुल खाली था ये। तो इट वॉज़ वेरी क्लीन, और यहाँ पे तो खैर हर जगह ही बहुत क्लीन होती है, बट इट वॉज़ नॉट क्राउडी, तो इसलिए हमने ज़्यादा इन्जॉय किया। वी डिड नॉट थॉट कि ये लुकआउट इतना प्यारा होगा। ऑनेस्टली ये आई थिंक कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस ओवर हियर। इट वॉज़ ब्यूटिफुली ब्यूटिफुल। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके भी यहाँ दिखा देती हूँ। ये है वो हार्बर ब्रिज जो सिडनी की पहचान है, और ये है सारी सिटी की बिल्डिंग्स, और यहाँ पे कैंपिंग भी हो रही है और बोटिंग भी हो रही है। तो बड़ा ही कोई चिल सीन है यहाँ पे यार। देखो, देखो, देखो। तो ये जगह बहुत प्यारी है। अलाइना को तो बहुत सख्त नींद आई हुई, बिकॉज शी इज़ अवेक सिंस 9 AM। हम खैर नाश्ता वाश्ता करने के बाद निकले थे, फिर आइकिया गए, फिर यहाँ आए, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं एंड वो बिल्कुल टोन है, लेकिन फिर भी वो यहाँ इंजॉय कर रही है। उसको अपनी नींद की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, यू नो, बस उनको मौका चाहिए होता है कि उनको सुलाएं ना, किसी भी तरह वो जाग लें।
एंड अलाना'स फादर इज़ ऑलवेज आफ्टर हर कि किसी तरह से उसका कोई अच्छा पोज आ जाए, उसको कहाँ से कहाँ खड़ा करके लटा के हर तरीके से उसके पोजेस लेते हैं, हर तरीके से उसकी पिक्चर्स लेते हैं और बस मेमोरीज बनाते हैं. मी एंड फरहान वी बोथ आर इन टू फोटोग्राफीज, तो ये है कि इसमें तो हमारे माइंड मिलते हैं काफ़ी. यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे आप बारबेक्यू स्टैंड्स भी लगे हुए थे, बेंचेस भी थी, यू कैन डू बारबेक्यू विद अमेजिंग व्यू. तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इनवाइट करेंगे और ये स्पॉट वी आर गोइंग टू हायर. ये स्पॉट कोई हाफ एन आवर की ड्राइव पे हमारे घर से और इतना कोई दूर नहीं है, तो फीसिबल है सबके लिए. खैर हमें बहुत अच्छा लगा इसको फाइंड आउट करके और वी एंजॉयड अ लॉट. थोड़ा सा टाइम था लेकिन इस शॉर्ट विंडो में हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया. वापस जा रहे हैं, बहुत अच्छा लुकआउट था, बहुत लाइक मज़ा आया. इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग हियर समथिंग विद आवर फैमिली फ्रेंड्स, अच्छा रहेगा बहुत. और जी अब वापस जा रहे हैं, मतलब कहीं खाने, ऑब्वियसली बिकॉज बहुत भूख लगी है. एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इन पर्पल ट्रीज से, ये मुझे जहाँ नज़र आते हैं इक्का दुक्का भी होते हैं मैं फ़ौरन अपना कैमरा निकालती हूँ और वीडियोग्राफी स्टार्ट कर देती हूँ. और जब ये नीचे गिरे हुए होते हैं ना, लाइक फॉलिंग लीव्स जो उनके पर्पल फॉलिंग लीव्स, ओफ ये बहुत 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 खूबसूरत लगते हैं. बाबा आए थे यहाँ लास्ट ईयर, तो उनको भी ये इतना कोई अमेजिंग सा लगा था. बाय चांस जब वो आए थे तो उन्होंने देखा तो उनको भी बड़े पसंद आए, तो हमने बहुत कोशिश की कि उनको किस तरह से इसके सीड्स ले दें ताकि वो वहाँ जाके ग्रो करें, बट अब यहाँ पे अलाउ नहीं है इस तरह से सीड्स देना. यही जी मेरी लेफ्ट साइड पर यही है वो स्पॉट जहाँ हम गए थे और ये इस ब्रिज से भी नज़र आ रहा है. एनीवेज यहाँ मुझे एक बात करनी है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि हम हलाल फूड सीरीज शुरू करेंगे सिडनी के अंदर, बिकॉज़ वी बिलोंग टू सिडनी. तो सिडनी से रिलेटेड जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं हम सब उसको कवर करेंगे एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कवर मोर हलाल फूड रेस्टोरेंट्स एंड विल शेयर इट विद यू गाइस. तो आज हम एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट जा रहे हैं विच इज़ इन रॉकडेल, उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है, सो व्हाई नॉट वी थॉट टू ट्राई इट टुडे. वी आर एट बर्गर कार्टल विच इज़ लोकेटेड इन रॉकडेल. इधर का जो इंटीरियर था वो बहुत ही कोई विंटेज स्टाइल का था, हमें अच्छा लगा, हमें कुछ जैसे पुराने ज़माने वाली फीलिंग आ रही थी. And they were so kind enough, इन्होंने अपना हमें किचन दिखाया और सारा सर्वे करवाया. इस तरह से ये लोग बहुत ही सफाई से अपना फूड बना रहे थे. हमें स्पेशली इनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि सबको गरम गरम फूड सर्व हो रहा था और बहुत सफाई से ये लोग काम कर रहे थे. And here is my order. Not this, but the one which is about to come. इनकी स्पेशलिटी ये भी है कि ये यू नो ऐसे फायर शॉट्स देते हैं, तो ये थोड़ा सा कोई यूनिक सा लगता है, इनका स्टाइल है ये. उफ़
देखने से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्लैक विडो मैंने ऑर्डर करवाया है, ये इनकी स्पेशलिटी है, और वो नॉर्मल सिंगल बर्गर है जो फरहान ने ऑर्डर करवाया है डबल पैटी करवा के। आप ज़रा उसका साइज़ देखें, और जो मेरा सिंगल है सिंगर उसका साइज़ देखें। ओ माई गॉड, इट वॉज ह्यूज। इनकी अंदर से भी स्टफिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी, लाइक वेरी इम्प्रेसिव। मैं और फरहान लिटरली सिर्फ ये देख के ही परेशान हो रहे थे कि हम खाएंगे कैसे यार। हमने अपने लिए ये एक एक बर्गर्स ऑर्डर करवाया था और अलाना के लिए चिप्स, दैट्स इट। तो जी अब हम खाने वाने से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। वी आर रियली सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली हमने एक सडन ट्रिप लगा लिया और बहुत ही अनप्लान था, बट हमने मोस्ट जितना हम कवर कर सकते थे हमने कवर कर लिया, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने ये ट्राई किया। इट वाज रियली गुड, यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी थी, खाना बहुत गर्म सर्व हुआ। इवन द मैनेजर वॉज काइंड इनफ कि वो हर एक एक टेबल पर जाके पूछ रहा था कि हाउ इज़ द फूड, हाउ डू यू लाइक इट। तो यहाँ ये पॉइंट बहुत लाइक यू नो काउंट करता है। नो डाउट द बर्गर इटसेल्फ वाज लाइक अ टास्क टू फिनिश, लेकिन हम लोग इतना भूखे थे फिर भी हम वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे। लाइक इट इज़ एक बर्गर एक बंदे के लिए लाइक इनफ है, इनफ, मोर देन इनफ। लाइक अगर हम दूसरी दफ़ा जाएंगे वी वॉन्ट ऑर्डर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस वन बर्गर। जहाँ तक बात आती है प्राइस की, तो प्राइस एक या दो डॉलर ज़्यादा थी, मतलब 19-20 का फ़र्क था। तो यार वो क्वालिटी भी दे रहा था, लाइक वो ह्यूज एक चीज़ दे रहा है, तो हमारे लिए तो वो बिल्कुल परफेक्ट था। एनीवेज आई श्योरली रिकमेंड दिस प्लेस टू यू ऑल। एनीवेज दिस इज़ इट, सी यू गाइज विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।